दिल्ली के अनाज मंडी स्थित एक फैक्ट्री में रविवार सुबह आग लगने की घटना ने लोगों को दहला कर रख दिया। मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 पहुंच चुकी है। घटनास्थल का मंजर ऐसा था जो किसी को भी रोने पर मजबूर कर दे। इस बीच एक ऐसी दर्दनाक कहानी का पता चला है जिसे जानकर आप भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे। सुबह 4 बजे के आसपास जब दिल्ली वासी रजाई में दुबक कर सो रहे थे तो मुशर्रफ अली बिहार फोन मिला रहा था। वो अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्त के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो मिन्नतें कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं मर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, अब तुम ही सहारा हो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ भैया, खत्म होने वाला आज, खत्म होने वाला, आग लगने वाली है भैया। आज ये करोल बाग मोनू से नंबर ले लिया, वो जो मोनुआ का गुलजार। हाँ इस टाइम कमरा रहा है, भागना कहीं रास्ता नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ निकलना वहां से नहीं है मोनू कहीं, रास्ता भाग भैया भागने का रास्ता नहीं है। वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया, मैं देखे घर का भैया ध्यान नहीं किया मेरे। अब मेरे भाई ठीक है, तू है भैया, अब देखे सिंपल। भैया साथ भी नहीं दिया जा रहे मोनू, अब साथ भी नहीं दिया जा रहा, आप कैसे लगी पता नहीं दे मतलब। अल्लाह देखे भैया पास कर दिया, और भी जगह दाल लाए कई सारे है, तो निकलना कोई बात तो नहीं। फायर ब्रिगेड को फोन करता नहीं, कुछ नहीं हो रहा है ना, उसे फोन करते ना पहुंच जाए पानी पानी वाली। हाँ अब कुछ ना बोलू बस, पास देना भी आ गया भैया आगे से जैसे करके ले लीजिए। हाँ यार भैया घर का ध्यान रखिए मेरे भैया।